नमस्कार दोस्तों, फिर से मैंने दो दमदार प्रोडक्ट मंगाए। एक मंगाया मैंने मीशो से, दूसरा मंगाया मैंने फ्लिपकार्ट से। दोनों की करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाऊंगा इनमें कौन सी वाली कितनी बेस्ट निकलने वाली है। दोस्तों मैंने और इनकी करेंगे अनबॉक्सिंग और इनमें कौन सी वाली प्रोडक्ट निकलने वाली है। तो सबसे पहले अपन मीशो वाला ओपन करेंगे। ये मुझे लगभग 450 रुपये के लगभग ये वाला प्रोडक्ट पड़ा है और इसके अंदर मेरे को किस प्रकार का आप मेरे को देखने को मिलने वाला है या आप भी इसे अगर ऑर्डर करते हो तो आपको कैसा देखने को मिलने वाला है वो इस वीडियो में अपन को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले चलिए इसे ही अपन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कट करके इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ से मैंने कट कर लिया है। अभी अपन इसे ओपन करने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर फिर से एक पैकेजिंग और दी हुई है जो कि कुछ इस प्रकार की है। देख सकते हो अभी इसे भी ओपन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है। इससे पता चलता है कि इसे जो पैक किया गया है इसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसा कंपनी ने भेजा है वैसा ही अपने पास ये वाला प्रोडक्ट पहुंचा है। अभी अपन मीशो की जो है ये वाली सील है इसे भी अपन तोड़ के बाहर से अंदर से देखते हैं कि अंदर और क्या क्या अपन को देखने को मिलता है। चलिए मैं कट ही कर लेता हूँ इसको। ये देख अभी जो है मैंने दूसरा वाला भी यहाँ से कट करके निकाल लिया। अभी देख सकते ये दोस्तों साथ में आती है प्लास्टिक बॉल और अगर आप मेटल की बॉल जो अपन बेरिंग वगैरह में आती है वो वाली मेटल बॉल भी अपन यूज कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक बॉल तो अपन साइड में रखते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा भी दी हुई है जो एक अंदर पैकिंग है एक बाहर दी हुई है। अगर अपन चाहें तो इसके अंदर मेटल बॉल्स भी यूज कर सकते हैं। इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज होती है तो आप इसे सेफ्टी से यूज़ करें। चलिए करते हैं अनबॉक्स, दिखाता हूँ भाई। वजन में तो ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब बढ़िया चीज़ है यार। देख सकते हो डिज़ाइन वगैरह बहुत ही शानदार है। यहाँ से मेटल भी जो इसके एलुमिनियम या अपन कह सकते हैं जो भी इसके अंदर यूज किया हुआ है वो चीज़ भी यहाँ से आसानी से दिखाई दे रही है। फुल बैक सिस्टम, वाह फुल बैक सिस्टम है लेकिन मेरे से फुल बैक हो नहीं रही है। ये देख सकते हो अभी इसके यहाँ पे ये डिज़ाइन भी बनाई हुई है, ग्रिपिंग बनाई हुई। दोस्तों ये देख सकते हो लोगो भी बहुत शानदार है इस चीज़ का और वज़न में थोड़ी ठीक ठाक है। देखने में ऐसा लग रहा है प्लास्टिक है लेकिन ये प्लास्टिक तो नहीं है, नहीं तो इतना वज़न नहीं रहता। चलिए अब अपन इसे बाहर निकालते हैं। ये देख सकते हो यहाँ से इसका मैगजीन सिस्टम है। इसके अंदर अपन जो है मेटल बॉल्स या अपन बेरिंग बॉल्स भी इसके अंदर डाल सकते हैं या बाद में अपन डालना चाहिए प्लास्टिक बॉल्स तो वो भी डाल सकते हैं। इसके अंदर एक साथ लगभग 15 से 16 बुलेट्स अपन इसके अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों अब मैं इसे वापस बंद कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। दोस्तों सबसे पहले तो अपन इसके अंदर बुलेट्स ही डाल लेते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके इसके अंदर थोड़ी बुलेट्स डाल देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने दो बुलेट्स इसके अंदर लोड कर दिया, अभी मैं कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ इसे पुल बैक करने वाला हूँ। ये देख सकते हो अभी मेरी जो है लोड हो चुकी है। अभी मैं हाथ पे तो नहीं लगा सकता क्योंकि इसकी तेज है। तो चलिए अब अपन इस पर ही जो है यहाँ पे टेस्ट करके देखें। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा इसकी स्पीड रही है और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अगर आपको भी ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। चलिए मैं दूसरा वाला प्रोडक्ट अनबॉक्स करते हैं और इसमें क्या चीज़ अपन को देखने को मिलती है देखते हैं। तो यहाँ से अपन इसे भी ओपन करते हैं। दोस्तों इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन की हुई प्रोडक्ट निकली है। चलिए इसे अपन ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को। भाई साहब प्योर मेटल का जो कि मैंने पहले भी अनबॉक्स किया था ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ में ये वाली बुलेट नहीं आती है। इसके साथ में क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस डिब्बे में अपन को और कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सिंपल सी ये वाली चीज़ देखने को मिली है। यहाँ से इसे लोड भी कर सकते हैं, देख सकते हो फुल बैक रही है। अब अपन जैसे टिकट दबाएंगे ये वर्क करेगी। दोस्तों ये मैं बता देता हूँ कि ये अपनी है लाइटर प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों ये लाइटर है वो एयर में है। दोस्तों ये जो लाइटर है इसके अंदर बुलेट्स नहीं डलती है। दोस्तों इसमें यहाँ से डलती है गैस और अपन गैस वगैरह को जलाने के लिए इसका यूज करते हैं। लेकिन ये बनी हुई मेटल की आती है, देखने में बिल्कुल रियल जैसी फीलिंग देती है। तो ये देख सकते हो इस प्रकार से वर्क करती है। आप देख सकते हो कितनी शानदार यहाँ से फ्लेम निकलती है और जैसे ही अपन टिगर को छोड़ते हैं वापस रुक जाती है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।